ऑनलाइन सेंसेशन पूनम पांडे, जो हमेशा अपने हॉट अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर एक मजेदार मीम शेयर किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड शेयर किया है, जो कि काफी मजेदार है। इसमें लिखा है, चाइनीज गवर्नमेंट ने वुहान के उस नागरिक का नाम जारी किया है जिसमें सबसे पहले वायरस का लक्षण मिला, उसका नाम ले ली सबकी है। पूनम का यह ट्वीट इस वक्त वायरल है। पिछले साल पूनम तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पति सैम बॉम्बे के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस और उनके पति हनीमून के लिए गोवा गए, जहां वह एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। बता दें 1 सितंबर 2020 को दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें कि पूनम अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बोल्ड वीडियो शेयर करती रहती हैं। INS रिपोर्ट।